हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार विमेन ट्रेंड्स। आज का वीडियो है फ्रिल वाली डिज़ाइनर साड़ी। लास्ट ईयर हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी फ्रिल वाली डिज़ाइनर साड़ी थी, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। उम्मीद करते हैं इस बार भी आप अच्छा रिस्पांस देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। उसके लिए हमने लिया है 6 मीटर नेट। इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल फैब्रिक से, तो जो हमारी फ्रिल है वो भी इसी 6 मीटर में से ही निकल आएगी। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से 1 मीटर फैब्रिक निकालेंगे और उसके बाद हम इसकी वेथ कम करेंगे, क्योंकि इसकी वेथ बहुत ज़्यादा है, जो कि कपड़े का अर्ज होता है। उसमें से मैंने नीचे की तरफ से इसको 15 इंच अलग कर दिया है। ये हमारा साड़ी वाला पार्ट जो कि 45 इंचेस है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था 15 इंचेस उसको मैंने अलग कर दिया है। इस तरह से हमने इसे अलग कर दिया है। और उसके बाद ये हमारा 1 मीटर नेट जिसको हमने सबसे पहले अलग किया था। ये हमारा 1 मीटर नेट जिसे हमने साड़ी की वेथ कम करने से पहले निकाला था। इसमें से हम फ्रिल बनाएंगे। 1 मीटर फैब्रिक को मैंने चौकर फोल्ड किया है इस तरह से, और यहाँ पर हमने एक 20 इंचेस पर मार्क किया। इसी तरह से हम 20 इंचेस पर मार्किंग करेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिससे कि हमारी जो कर्व शेप है वो प्रॉपर आएगी। जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग का घेर कट करते हैं उसी तरह से हम फ्रिल निकालेंगे। जो फ्रिल को हमने मार्क किया है वो 4 इंचेस की है। इस तरह से हमारी ये 3 फ्रिल्स हैं। इसको हम बराबर कट करेंगे। ये एक फ्रिल को हम इस तरह से दिखा रहे हैं आपको। ये 4 तरफ से जॉइंट है, हम इसे एक तरफ से कट कर देंगे। हाँ देखिए, इस तरह से आएगी हमारी फ्रिल। मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। इसके बाद कटिंग करेंगे हम साड़ी की। यह हमारी साड़ी है जो कि 5 मीटर की है। फ्रिल वाली साड़ी है इसलिए 5 मीटर काफ़ी है, और इसमें हम कलियाँ भी लगाएंगे। हम इसके बैक साइड से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम बांधते हैं साड़ी को। तो पीछे से मैंने इसको 45 इंचेस पर मार्क किया है। नीचे हमने 45 पर मार्क किया है, और ऊपर हमने यहाँ पर लिया है 20 इंचेस, और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जहाँ हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है वहीं से हम इसको कट करेंगे। सिर्फ हमें 20 इंचेस पर ही कट करना है, उससे ऊपर नहीं ले जाना है, बिल्कुल अलग नहीं करना है हमें साड़ी को। उसके बाद जो दूसरा कट हम लगाएंगे वो 8 इंचेस के गैप पर लगाएंगे। यहाँ पर जो मैंने स्पेस दिया है वो 8 इंचेस का दिया है। एक और मार्क करेंगे, और जो इस बार हम मार्क कर रहे हैं ऊपर की तरफ उसको हम 15 इंचेस ले रहे हैं। और इसी तरह से हम एक 20 इंचेस और एक 15 इंचेस पर मार्क करेंगे और कट करेंगे। एक बार फिर से दिखाते हैं, ये हमारा बैक वाला पार्ट है जहाँ से हम साड़ी को बांधना स्टार्ट करते हैं, और ये जहाँ हमने कट किया था 8 इंचेस के गैप पर। एक कट हमारा 20 इंचेस है, एक कट हमारा 15 इंचेस है, फिर 20 इंचेस, फिर 15 इंचेस, और इस तरह से टोटल हमने 7 कट किए हैं पूरी साड़ी में। और बाकी का जो फैब्रिक हमारा बचता है वो हमारा है पल्लू। उसके बाद बारी आती है हमारे फैब्रिक की, जो हमने वेथ में से निकाला था 15 इंचेस, उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम कलियाँ निकालेंगे। कलियाँ हम टोटल 7 निकालेंगे। जिस तरह से हमारे कट है, एक छोटा एक बड़ा, उसी हिसाब से हम कलियाँ निकालेंगे। 3 छोटी 4 बड़ी कलियाँ भी हमने 15 और 20 इंचेस की निकाली हैं। कलियाँ हम इस अनफोल्ड वाले फैब्रिक में से निकाल रहे हैं, और इस तरह से ए शेप में निकालेंगे। हमारी जो कली की चौड़ाई है वो 7 इंचेस है। यहाँ से हम छोटी वाली कली निकालेंगे। कलियाँ निकालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसमें से हम फ्रिल निकालेंगे, जो कि कलियों में लगाएंगे।
ये हमारी कलियाँ हैं, इन्हें हम साइड में करते हैं। कलियाँ निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसमें से हम फ्रिल निकाल रहे हैं। ये मैंने 4 इंचेस पर मार्क किया है और इन वाली फ्रिल की कटिंग भी हम और भी करेंगे जैसे हमने अभी कटिंग की थी। अब उसके बाद कलियाँ और फ्रिल हम एक साथ ज्वाइंट करेंगे। ये हमारी कली है, बड़ी वाली है, ये 20 इंचेस की, और ये हमारी फ्रिल। फ्रिल हम पहले छोटी वाली यूज़ करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक में से निकाली थी। इसको तीनों को हम एक साथ ज्वाइंट करेंगे। ये कली है नीचे वाली, ऊपर वाली फ्रिल। उसके बाद हम साड़ी वाला फैब्रिक रखेंगे। हम इसे नेट में बना रहे हैं, आप चाहे तो इसे किसी और फैब्रिक में भी बना सकते हैं। अब तीनों को साथ में स्टिच करते हैं। इसको हमें बहुत अच्छे से जॉइंट करना है क्योंकि तीनों फैब्रिक हम एक साथ जॉइंट कर रहे हैं, तो ध्यान रहे। तीनों फैब्रिक को जॉइंट करते समय हमें बीच वाला जो फैब्रिक है फ्रिल वाला, उसको थोड़ा सा खींचना है, उसे थोड़ा सा खींच कर लगाना है। बाकी जो फैब्रिक हैं दोनों ऊपर नीचे वाले, उसको हम नॉर्मल ही लगाएंगे जैसे लगाते हैं बिना खींचे हुए। और इसी तरह से हमें सारी कलियों को जॉइंट करना है। इस तरह से स्ट्रेट सिलाई को हम ऊपर तक ले जाएंगे जहाँ तक हमारा जॉइंट है, फिर हमें दूसरी साइड से लगाना है इसे। यहीं से नहीं घुमाना है हमें, दूसरी साइड से लगाएंगे तो हमारी फिनिशिंग प्रॉपर आएगी। ये सारी कलियाँ हमारी जॉइंट हो गई हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, सारी कलियाँ जॉइंट करने के बाद हम इसके नीचे की और साइड वाली फ्रिल लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी फ्रिल है और बीच में इसकी कली है। इस तरह से हमारी फ्रिल आएगी। इसे थोड़ा सा रफली बनाने के लिए हम इस पर पीको करेंगे। ये हमारी फ्रिल जिसमें हमने 1 मीटर फैब्रिक में से निकाला था, जो कि हमारी साड़ी के लिए पूरी हो जाएगी। सिर्फ 2 जॉइंट आएंगे, मैंने इसमें जॉइंट लगा दिया है। और ये रहा हमारा जॉइंट, ये हमारा जॉइंट है। अब मैं इसको साड़ी के ऊपर लगाती हूँ। ये हमारा पल्लू वाला निशान है जहाँ से हम बॉर्डर लगाना स्टार्ट करते हैं, 2.5 मीटर या फिर 2 मीटर, जो भी आप रखना चाहें। मैं इसे छोड़ देती हूँ, यहाँ से मैं फ्रिल नहीं लगा रही हूँ। यहाँ से फ्रिल ना लगाने का एक रीज़न है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ से फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे, जहाँ हम पल्लू का कॉर्नर बनाते हैं वहाँ से फ्रिल लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं मैंने इस तरह से फ्रिल और ये भी क्यों निकाली है, क्योंकि जब हम फ्रिल लगाते हैं तो उसमें हमें गैदर डालनी पड़ती है, तो अक्सर हमें गैदर डालने में प्रॉब्लम होती है। गैदर हर कोई प्रॉपर नहीं डाल पाता है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इस तरह से जब हम और ये भी फ्रिल कट करेंगे तो हमें गैदर डालने की ज़रूरत नहीं है और इसे लगाना भी बहुत आसान है। तो इसलिए इस वाले मेथड को आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये देखने में काफ़ी हल्का लग रहा है, लेकिन हम इसे रफली लुक देने के लिए पीको करेंगे और उसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे। और इस वाली फ्रिल को हम लास्ट तक ले जाएंगे, जहाँ तक हम अपनी लेस लगाते हैं साड़ी की। जो हमने कलियों में फ्रिल लगाई है उसको हमने 1 इंच छोड़कर लगाया है ऊपर की तरफ, क्योंकि जब इस तरह से हम फ्रिल लगाएंगे तो जो ऊपर वाली फ्रिल है कली वाली, वो इसके अंदर दबनी नहीं चाहिए, बाहर निकलेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए, मैंने 1 इंच छोड़कर लगाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम साड़ी के बॉर्डर पर आते हैं। बॉर्डर के लिए मैंने एक हल्का सा रिबन लिया है, वेलवेट में है रिबन, ये बहुत स्लिम सा है, और इसे हम यहाँ से लगाएंगे। इसको हम स्ट्रेट ही लगाएंगे और कॉर्नर तक ले जाएंगे, जो हमारे पल्लू का कॉर्नर है। ऊपर की तरफ हमने फ्रिल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब हम सर पे पल्लू रखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है सर पे पल्लू रखना पड़ता है, तो ऊपर जो फ्रिल आती है वो अच्छी नहीं लगती है, तो ऊपर का पार्ट हमें प्लेन ही छोड़ दिया है। ये हमारा पल्लू का कॉर्नर। जो रिबन है हमारा स्लिम वाला, उसे हम पूरी साड़ी में लगाएंगे इसी तरह से। रिबन को भी हम वहीं तक लगाएंगे जहाँ तक हम अपने बॉर्डर को लगाते हैं।
ऊपर हमने अपने पल्लू में एक जर्किन वाली लेस भी लगाई है साथ में, जो बहुत प्यारी लग रही है। क्योंकि ऊपर हमारे फ्रिल नहीं है इसलिए हमने सिर्फ यहीं तक लेस लगाई है। इसको हमने यहाँ से जॉइंट कर दिया है। इसको यहीं से वापस कर लेंगे हम, क्योंकि हमने इसे सिर्फ पल्लू पल्लू की तरफ ही लगाया है ऊपर की तरफ। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। ये पाइपिंग मैंने मार्केट से ली है बना हुआ। ये आपको 5 या 10 रुपीस पर मीटर मिलेगा। यहाँ मैं इसे अच्छे से लॉक कर दूंगी। और पाइपिंग को लगाने से पहले मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया है, क्योंकि सिंपल वाले प्रेशर फोर्ट से हमारी ये वाली पाइपिंग नहीं लगेगी। जो मोती वाली लेस लगाते समय हम प्रेशर फोर्ट यूज़ करते हैं वही प्रेशर फोर्ट है। और देखिए, ये हमने सारी पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसे आपको डालकर दिखाते हैं, जिससे आपको इसका पूरा लुक समझ में आए। तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।